सर भोजपुरी में अश्लीलता बड़ी है, आप महिला हैं, आजकल गाना कुछ ज़्यादा ही अश्लीलता की ओर बढ़ रही है। पहले जो एक पिक्चर आई थी नदिया का पार का, उसमें जो भोजपुरी का मिठास दिखता था, आजकल ऐसा गुम हो गया है, क्या कारण है, क्या कैसे देखते हैं इसको? कारण यही है कि आजकल तो छोटा छोटा कपड़ा पहनना, पब्लिक भी वही डिमांड में आ रहा है, पब्लिक को भी वही डिमांड अच्छा लग रहा है। अगर पब्लिक हम लोग का एक होकर, एकजुट होकर अगर ये इसको एक करते, अवॉइड करता है इस पिक्चर को, तो ये लोग ऐसा नहीं बनाते। दूसरी बात, पहले जो भरत शर्मा गाते थे, शारदा सिन्हा गाती थी, तो वो लोग का एक ठो वजूद रहता था गाना में, और अच्छा से वो लोग गाना गाती थी। हमें पारिवारिक तौर पर वो गाना अभी भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, लेकिन ये लोग आके एकदम मतलब कि भोजपुरी का मिठास खराब कर दिए हैं, और बिहार को एक मजाक बना के ये लोग रख दिए हैं। इस टाइप से भोजपुरी में छोटा कपड़ा पहन लेना, अभद्रता दिखाना, हिंदी पिक्चर में भी है, जैसे बिल्लो रानी गाना है, और भी बहुत सा गाना है, कपड़ा है उसमें भी छोटा है, लेकिन वो एक तरीका का छोटा है। ये लोग एकदम अभद्र तरीका से जो करते हैं, और एक्टिंग जो अभद्रता एक्टिंग में दिखाते हैं, वो बहुत खराब है, और सरकार को भी बंद करना चाहिए। और सरकार को मैंने भोजपुरी को हम क्या बोलेंगे, भोजपुरी तो लोग मजाक बना के रख दिए हैं, नहीं तो अपना बिहार अपना मिठास शब्द था भोजपुरी। आजकल ये खेसारी लाल यादव जी मीडिया को आजकल वो धमका रहे हैं, क्या करेंगे, खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे, आप लोग उनका कमाई को बंद कराने पर लगे हुए हैं तो करेंगे ही। वो तो छोटा कपड़ा पहना के पैसा कमा रहे हैं मॉडल को। उन्होंने एक गाना बनाया है, वो चाची की बातचीत सपनों में आती है, इस कुछ इस तरह गाना बनता है, बहुत शर्मनाक बात है। हाँ। जैसे उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, उन्हें परिचय दीजिए। पूनम झा, जिला अध्यक्ष, पटना, JDU।